नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि जो डिसइंफेक्टेंट मेथड यूज की जा रही है, डिसइंफेक्टेंट टनल यूज की जा रही है, उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ने क्या कहा, उनकी साइंटिफिक एडवाइजरी टीम ने क्या कहा और क्या जारी किया उन्होंने, कौन सी एडवाइजरी जारी की और उन्होंने क्या बताया कि ये जो डिसइंफेक्टेंट टनल यूज हो रही है, लोगों के ऊपर केमिकल का स्प्रे होता है, वो कितना इफेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ वो लेटर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का है, जो EMR डिवीजन का है, और इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी को ठीक से समझिएगा। एडवाइजरी है, एडवाइजरी अगेंस्ट स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑन पीपल फॉर COVID-19 मैनेजमेंट। लोगों के ऊपर जो डिसइंफेक्टेंट मटेरियल हम लोग स्प्रे करते हैं बाय द यूज ऑफ टनल। कौन सी टनल? जो डिसइंफेक्टेंट के लिए टनल बनाई गई थी, लोगों ने बहुत यूज किया, गली मोहल्लों में लगाई गई, बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसे लगाया और उसमें दो तीन केमिकल उन्होंने यूज किए, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया, उन्होंने उसमें 70% अल्कोहल यूज किया। तो उसके लिए क्या एडवाइजरी दी गई है और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला ये सब आपको नहीं करना है, ये सब आप तुरंत स्टॉप करेंगे, इससे वायरस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, इससे वायरस नहीं मरने वाला है, इवन ये साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा बेकार होने वाला है। पहला तो ये केमिकल इरिटेंट है, दूसरा ये साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक सेंस जाएगा कि हम तो डिसइंफेक्टेंट हो चुके हैं, हमारा इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, वायरस पूरा मर चुका है, तो अब बाकी सब चीजें करने की जरूरत नहीं। तो ये एक तरह का गलत तरीका है। जो न्यूज आ रही है वो उन्होंने बताया है, वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। वो जो लेटर है मैं यहां पर आपको डिस्प्ले भी करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसीव किया बहुत सारी क्वेरीज रिगार्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे यूज ओवर द इंडिविजुअल्स टू डिसइंफेक्टेंट देम। द स्ट्रेटजी सीम्स टू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन एंड इज ऑल्सो बींग रिपीटेडली यूज एट अ लोकल लेवल इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, इसे बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिला और लोकल बॉडीज में, डिस्ट्रिक्ट में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा। लोगों ने अपने घरों में बनाया, अपनी फैक्ट्रीज में बनाया और ला ला कर लगा दिया। उन्होंने अच्छा काम किया अपने सोच के मुताबिक, उस समय जितनी चीजें थी उसके हिसाब से। पर ये जब बहुत ज्यादा होने लगा तो मिनिस्ट्री को पता चला और मिनिस्ट्री ने उसके लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताया जो मैं आपको बता रहा हूं। पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट का पर्पस ये है कि टू एग्जामिन द मेरिट ऑफ यूजिंग डिसइंफेक्टेंट एज स्प्रे ओवर ह्यूमन बॉडी टू डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्ट देम फ्रॉम COVID-19 एंड टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एडवाइजरी। डॉक्यूमेंट का मतलब है COVID-19 के लिए डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जो लोगों को डिसइंफेक्टेंट किया जा रहा है ऊपर से स्प्रे करके, उसके लिए एडवाइजरी देना। डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉयज डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस और अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट करते क्या है? ये डिजीज कॉजिंग एजेंट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करते हैं। इट रेफर्स टू सब्सटेंस अप्लाइड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर अप्लाई करते हैं, टू देयर स्ट्रॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज। डिसइंफेक्टेंट ऐसा केमिकल है जो आपको इनएनिमेट, जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है, आपका टेबल है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन है, आपके घर के सामान है, प्लास्टिक के मटेरियल हैं, मोबाइल फोन हो सकता है, बहुत सारी चीजें, ये हो सकता है, स्टेथोस्कोप हो सकता है, ऐसे मटेरियल्स को डिसइंफेक्टेंट करने, उसकी सरफेस के ऊपर से माइक्रोब को खत्म करने के लिए ही ये मटेरियल यूज होते हैं। दीज आर द केमिकल मटेरियल्स। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स आर रिकमेंडेड फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ओनली ऑफ फ्रीक्वेंटली टच्ड एरियाज और सरफेस, जिनको बार बार आपको टच करना होता है, उन एरियाज को जो फ्रीक्वेंटली टच होते हैं वैसे सर्फेसिस को, बाय दोज हु आर सस्पेक्टेड और कंफर्म टू हैव COVID-19।
उनके लिए जो कोविड-19 के लिए सस्पेक्टेड हैं या कोविड-19 के लिए कंफर्म केसेस हैं, उनकी बार बार उस एरिया को टच करने की जरूरत हो, टच कर सकते हैं या सस्पेक्टेड होते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स आर टू बी एडॉप्टेड वाइल यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स फॉर क्लीनिंग लाइक वीरिंग ग्लव्स एंड ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन। ग्लव्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं, मैन बॉडीज ह्यूमन बॉडीज के लिए नहीं। इन व्यू ऑफ द अबो द फॉलोइंग एडवाइजरी इज इश्यूड, क्या एडवाइजरी दी गई। स्प्रेइंग ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप इज नॉट रिकमेंडेड, ब्लैक लाइन में लिखा हुआ है यहां पर, मैं उस पेपर को यहां पे लगाऊंगा। स्प्रेइंग ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इज नॉट रिकमेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, चाहे कोई भी कंडीशन हो नहीं यूज किया जाएगा। स्प्रेइंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप विथ केमिकल डिसइंफेक्टेंट इज फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हार्मफुल। फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली कॉन्टेक्ट तो होगा ही केमिकल से, वो इरिटेंट कॉज इरिटेशन करेगा, तो ये फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी अलाउड नहीं है, इट इज हार्मफुल। नेक्स्ट लाइन जो है मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं, इवन इफ ए पर्सन इज पोटेंशियली एक्सपोज विथ कोविड-19 वायरस, स्प्रेइंग द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट किल द वायरस। बॉडी के बाहर पार्ट में आप स्प्रे कर भी देते हो तो ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इवन ये व्यक्ति एक्सपोज हो चुका है कोविड-19 वायरस से, तो बाहर कैसे मरेगा। वायरस अंदर जा चुका है बॉडी में, फेफड़ों में जा चुका है, आपके नेजल एरिया में जा सकता है, आपके ओरल एरिया में जाने के बाद आपके फेफड़ों पे जा चुका है, वो बाहर से स्प्रे करने पे कैसे मरेगा। ठीक है, स्प्रेइंग द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट किल द वायरस दैट हैज एंटर्ड योर बॉडी। ऑल्सो देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है to suggest that they are effective even in disinfecting the outer clothing or the body in an effective manner। आप कितने भी effective manner में बाहर body के part को या फिर body के कपड़ों, आप कपड़ों को disinfectant करेंगे, ये किसी भी काम के नहीं है। अगली बात, यदि आप क्लोरीन स्प्रे करते हैं, स्प्रेइंग ऑफ क्लोरीन ऑन एन इंडिविजुअल कैन लीड टू इरिटेशन ऑफ आईज, आंखों के ऊपर इरिटेशन करेगा एंड स्किन के ऊपर इरिटेशन करेगा एंड पोटेंशियली गेस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स, पेट के लक्षण आने लगेंगे, पेट की तकलीफों के लक्षण आने लगेंगे, सच एज नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग का सेंसेशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, इनहेलेशन ऑफ द सोडियम हाइपोक्लोराइड कैन लीड टू इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। यदि सोडियम हाइपोक्लोराइड इनहेल के कर ले जाए, सूंघ ले जाए, तो वो आपकी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर सकता है एंड थ्रोट को इरिटेशन कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेशन कॉज कर सकता है एंड मे आल्सो कॉज ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब आप अस्टमेटिक हो सकते हैं, आपकी सांस फूल सकती है, ये आपको और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। एंड एडिशनली यूज ऑफ सच मे इनफेक्ट लीड टू ए फॉल्स सेंस ऑफ डिसइंफेक्शन। ये लोगों को के दिमाग में एक और बात बनाएगा कि ये तो मैं तो डिसइंफेक्टेंट हो चुका हूं एंड सेफली हो चुका हूं एंड एक्चुअली हैम्पर पब्लिक ऑब्जर्वेंस टू हैंड वॉशिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। लोग ये सोचेंगे कि वो तो डिसइंफेक्टेंट हो चुके हैं, अभी तो टनल से आए थे, तो हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग ये भूल जाएंगे। तो हर तरीके से ये यूज करना, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करना, क्लोरीन यूज करना, इट्स नॉट द सॉल्यूशन, ये गलत चीजें हैं और इसे रिकमेंडेड नहीं किया गया, इट इज टोटली स्टॉप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि सारी एडवाइजरी MOHFW ही जारी कर रहा है और ये सारे साइंटिस्ट की रिसर्च टीम है जो ये काम कर रही है। तो भैया प्लीज, आप लोग जो डिसइंफेक्टेंट टनल यूज कर रहे हैं और अननेसेसरी लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं केमिकल से, वो बंद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको लगता है कि इस तरह की कोई गतिविधि आपके आसपास भी हो रही है तो आप इसे बंद कराइए, ये कुछ किसी भी काम की नहीं है और इसे लोगों तक भेजिएगा।
और आप खुद पर भी स्प्रे मत मारते रहिएगा कि बस आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने ऊपर स्प्रे मार रहे हैं, ये भी मत कीजिएगा। ऐसी बेवकूफियां मैंने देखा है बहुत लोग कर रहे हैं कि घरों में उन्होंने डिसइंफेक्टेंट मंगा लिया है और वो खुद पर ही स्प्रे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो घर के सामने भी वो स्प्रे वाली चीजें बना के रखी है और वो खुद पे स्प्रे करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो स्प्रे करते हैं, आते हैं तो स्प्रे करते हैं। ये गलत है, प्लीज इसे स्टॉप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।